हे गाइस, मैं हूँ मिशकात वर्मा और आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज रक्षाबंधन है। जितने भी भाई बहन हैं हमारे देश में ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। एंड जिनके भाई बहन आसपास नहीं, जैसे कि मेरी बहन, उनको भी अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी बहन मीका की शादी हो चुकी है और वो रहती है सात समुंदर पार अमेरिका में, बॉस्टन में। एंड सिंस द पास्ट 3 इयर्स हम राखी सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं होती है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट है, सब कुछ है, फ़ोन है, तो एवरी ईयर आई कॉल हर अप एंड हम इंटरनेट वाली राखी करते हैं हम लोग आजकल। तो आई विल कॉल मीका, उसने राखी भेजी है मेरे लिए, चॉकलेट्स भेजे हैं, ये देखिए। विदाउट फेल मीका हर साल मुझे राखी डेफिनेटली ही भेजती है, नो मैटर कितनी बिजी हो या इस देश दुनिया के कौन से भी पार्ट में हो। सो या एंड अभी आई थिंक अमेरिका में सुबह के 9 बजे होंगे, सो आई एम गोइंग टू कॉल हर, होपफुली वो जागी रहेगी। आई हैव इन्फॉर्म्ड कि जूम के लोग आ रहे हैं, उनको रक्षाबंधन सेगमेंट करना है मेरे साथ, तो शी शुड बी अवेक एंड लेट्स सी। कॉल करते हैं मीका को। सो मीका हैज कॉल्ड मी अप एंड सुबह सुबह अपने बच्चे को सॉर्ट करके उसको खाना पीना दे के शी हैज कॉल्ड मी, एक बहुत अच्छी बहन की तरह। मीका, बहुत टाइम बाद वो टीवी पे कुछ कर रही है, अभी तो अब पढ़ाई कर रही है, एमबीए कर रही है, अपना स्कॉलर है मेरी बहन। हाँ, या शी इज अ जीनियस, पता नहीं कैसे कर लेती है। तो मेरी बहन की तैयारी थोड़ी अधूरी रह गई, तो वो नीचे गई है अपने घर में कुछ लाने के लिए, तो शी विल बी बैक इन अ मिनट। सो मीका इस घर में सिर्फ लास्ट ईयर आई थी, हमने शिफ्ट किया है। तो रक्षाबंधन मेरी, मीका इज माई सिस्टर एंड आई हैव 5 कजन सिस्टर्स, मैं इकलौता भाई हूँ और कोई भाई नहीं है। तो रक्षाबंधन में नॉर्मली भाई देते हैं गिफ्ट्स, लेकिन मी बीइंग यंगर टू एवरीवन, आई यूज टू टेल देम वन डे पहले कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एंड सो मीका वॉज द फर्स्ट वन हु, मीका वॉज द सिस्टर हु गेव मी माई फर्स्ट एवर परफ्यूम व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, माई हेयर जेल एंड ऑल। शी ऑलवेज वांटेड कि मिश्का तेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थी नहीं रवि। फिर मेरी एक और बहन है रुचिरा, हु इज Probably one of the best sisters I have. She's not here. I would have loved for her to be here, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। And I'll be meeting her. वो भी she's like Mika. Without fail, she'll be there for me. वो मेरे लिए अपनी life दे सकती है। Then I have a sister called Reema, Prachi, Ashna who's in Australia. तो मेरी बहुत बहनें हैं यार। Anyway, Mika, you're ready? Yeah, I'm ready. Electronic दिया है ना, मेरे internet वाली राखी है भाई ये, cool राखी। So, hi Mihika, this is Zoom TV here. They've come to do a Rakhi segment called Internet Wali Rakhi. सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं और विश्व कभी इतने दूर होंगे एक दूसरे से, बट आप अपने माइंड को कंडीशन कर लेते हो, अपने फीलिंग्स को मैनेज कर लेते हो। I think हमारा जो दिल का तार है वो बहुत strongly connected है, तो अब ऐसे लगता है कि चाहे हम जहां भी हो, चाहे हम बात करें ना करें, मिले ना मिले, कुछ change नहीं होगा। Yeah, so I think I will either Rakhi myself to but first let me do your aarti. Yeah, yeah, do it. So this diya is lit, but क्योंकि इतना it's morning यहाँ पे सुबह के 9 बजे तो दिया का light नहीं दिख रहा, but it's lit. First puja. Now, Rakhi. Yeah. This is a Rakhi you sent. Thank you so much. ओके एंड अभी मैं ट्राई करता हूँ, सो आई थिंक somebody there to put the टीका for you. या भाई है, सारे बहन कोई नहीं है।
राखी बन गई एंड नाउ अपने राखी बन गई, अपने चरण दिखा दे अभी आशीर्वाद लेने के लिए. सो यू डोंट नो, मेरी जितनी भी बहनें हैं ना, दे मे बी डू साष्टांग प्रणाम व्हेनेवर राखी होती है एंड उसी मोमेंट में बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक होते हैं एंड दे आर ऑल ओवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर. सो पूरा साल वो हमें नचाता है, एक दिन हम उसे नचाते हैं. चलो शो मी योर फीट नाउ. ओके इंटरनेट वाली राखी. ओके आई एम गोइंग टू साष्टांग प्रणाम. एक्चुअली कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वर्ड्स नहीं होते, यू जस्ट फील व्हाट यू आर फीलिंग. ये वैसा मोमेंट है. पिछले तीन अभी चार साल हो जाएंगे, हम इतने दूर हैं तो बहुत मुश्किल होती है बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिम. उसके बारे में सोचती रहती हूँ, उसके लिए खुश होती हूँ, वरी करती हूँ. और इस दिन स्पेशली बस मैं यही प्रे करूंगी कि यू नो जो भी उसकी ड्रीम्स हो लाइफ में वो पूरी हो जाए, जो भी उसको चाहिए वो मिल जाए और बस वो हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे. और जो हमने उसके लिए यू नो नॉट प्रोफेशनली बट एज अ पर्सन सोचा था वो हर माइलस्टोन अचीव करे. दैट्स ऑल. मैं यही कहूंगी सारी बहनों से कि आप चाहे जहां भी हो एक माँ की तरह हमेशा अपने भाई के बारे में वरी करोगे और दैट्स फाइन. प्लीज वरी करो और मौके मत छोड़ना एक दूसरे से कहने के लिए कि हाउ मच यू लव ईच अदर. बिकॉज पता नहीं लाइफ में ऐसे कोई मौका ऐसा कुछ हो जाए कि आप यू नो फिजिकली एक दूसरे से बहुत दूर हो जाओ. सो नेवर मिस अपॉर्चुनिटी एक दूसरे को बताने के लिए दैट यू लव ईच अदर. एंड आई थिंक मैं और मिशू अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करते. यू नो आजकल पिछले एक साल में तो बेबी बहुत ही मुश्किल हो गया है, पढ़ाई बेबी अब इंटर्नशिप तो बहुत लाइफ बिजी हो गई है मेरी. बट ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ही नोज हाउ मच आई लव. ही नोज दैट इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड बिगेस्ट वीकनेस. मीका गाना इन हर अमेजिंग बैरिटोन मीका विल सिंग. किसी ने पूछा था कि आपका रिश्ता कैसा है तो हमने कहा फ्रेंड्स की तरह, राइट. फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है. यू सी मेरे मीनिंग मिश्कात को पता है. एक्चुअली कुछ हफ्तों से मैं उसे हर हफ्ते मैसेज करती रहती हूँ क्योंकि तीन साल से मैं बेरोजगार थी क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ एंड आई वाज अ मदर एंड एवरीथिंग. बट दिस ईयर मैंने थोड़े से पैसे कमाने शुरू किए तो मैं उसको पूछ रही थी कि व्हाट डू यू वांट. यू कैन आस्क हिम. मैं से पूछ रही हूं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू. आई डोंट वांट एनीथिंग मीका. ही इज आई एम सपोज्ड टू गिफ्ट यू. यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव मी एनीथिंग. तो जब मैं दिसंबर में आऊंगी यू विल. तो मिश्कात ने मुझे ऑलरेडी अपनी बहुत ही फोर्स करने के बाद थोड़ी सी चीजें बताई हैं जो उसको चाहिए. और सिंस दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मिश्कात को वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो उसे चाहिए. ओके ग्रेट. मीका पीपल तुझे बहुत मिस करते हैं. मैं लोगों से मिलता हूँ ना, सब बोलते हैं योर मीकास ब्रदर. आई एम लाइक या मीकास ब्रदर. वो कितनी फैबुलस एक्टर थी. आई एम नॉट जोकिंग. लाइक पीपल रियली मिस यू ऑन द शो ऑन ये मोहब्बत है एंड दे रियली यू हैव टू मेनी पीपल योर वेल विशर्स आउट हियर. आई मीन लॉट ऑफ न्यू पीपल राइट. सो इनको ये बोलता हूँ मीका का भाई हो, मेरी इज्जत बढ़ जाती तेरी वजह से.
I swear, इज्जत बढ़ जाती है. So you know, you won't believe it. Actually, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मुझे आके मिलते हैं और फिर अभी तक, I mean last week तक लोग मुझे आके मिलते हैं और पहला reaction ये होता है, how, like why, how? ऐसे लोग मुझे पूछते हैं. In fact, मेरे कितने सारे classmates भी हैं in my college जो Indian हैं. और वो सब मुझे पूछते हैं कि what was I, मैं यहाँ कैसे आ गई, मेरी स्टोरी क्या है. और आई थिंक जो भी मुझे आज याद करते हैं, मैं उन्हें यही कहूंगी कि यू नो लाइफ में यू नेवर नो, लाइफ आपको कभी कभी ब्यूटीफुली सरप्राइज कर देती है. और मुझे लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना प्रोफेशन छोड़ के पढ़ाई करूंगी और मैं कॉर्पोरेट करियर पे जाऊंगी. I love you यार, तुझे पता है. And you know exactly what I'm feeling right now, and I know exactly what you're feeling right now. And don't worry, सब ठीक हो जाएगा. I love you, chill. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, I know what you're thinking also. When you call me, तू क्या सोचती है? Chill कर, I love you. I can eat this. Yeah? Oh, yum, Donald. Donald, Ferrero. Oh, Ferrero, I'm sorry. Cool? Stop worrying about me. मैं चिंता मत कर, सब ठीक है, okay? Thank you.